हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन आज अगर आप मॉर्निंग में देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी वीक लग रहा था. मॉर्निंग से रिलायंस इंडस्ट्रीज जब गिरना स्टार्ट हुआ तो निफ्टी भी थोड़ा वीकनेस दिखाने लगा. सो आज ओवरऑल सेशन में बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और निफ्टी काफी ज्यादा वीक था. आज थोड़ा उल्टा था. बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में जाके थोड़ा सा वीक हुआ है और 22,000 के आसपास क्लोजिंग हुआ है. अब कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है. तो आपको यही एडवाइस होगा कि कल थोड़ा आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, 50% क्वांटिटी में ही ट्रेड करना. तो ज्यादा आपके टारगेट्स नहीं होने चाहिए, 1:1 का ही टारगेट रखना, क्योंकि कल वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है. सो इसलिए कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है. निफ्टी अगर आप देखते हो 11,100 से 11,300 की रेंज में फंसा हुआ है, तो मुझे लगता है ये 200 पॉइंट की रेंज में एक्सपायरी पॉसिबिलिटी हो सकता है 11,100 से 11,300 के बीच में. और बैंक निफ्टी 21,500 से 22,500. 21,500 एक स्विंग लो था अभी जो रिसेंटली बनाया था, 22,500 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है. तो मुझे लगता है ये रेंज में बैंक निफ्टी एक्सपायर हो सकता है 21,500 से 22,500. तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं ऑप्शंस में. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एनआईटी टेक बाय दिया था. डेफिनेटली आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है रिजल्ट के बाद. फिर भी एक दो लोगों का मॉर्निंग में मैसेज आया कि सर हमारा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है. मैंने क्लियर कट बाय दिया है, उन्होंने सेल किया था और सेल का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, और फिर वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमारा लॉस हुआ है. तो ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता. अगर आप रिवर्स ट्रेड कर रहे हो, अगर आप उल्टा ट्रेड कर रहे हो, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता. मैंने आपको क्लीन एंड क्लियर बाय दिया था, लेवल भी बताया था और बोला भी था कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है. डेफिनेटली आप लोगों ने पैसा बनाया होगा. एक दो लोगों ने उल्टा किया था और उनको लॉस हुआ है. वो शायद नए नए ज्वाइन हुए हैं सब्सक्राइबर, तो उनको पता नहीं है कि मेरे कॉल्स कैसे चलते हैं, तो उन्होंने शायद उल्टा ट्राई किया, उनको लॉस हो गया. तो उन्होंने मॉर्निंग में मुझे चैटबॉट पे मैसेज किया कि सर मेरा लॉस हुआ है. तो मैंने उनको बोल दिया कि मैंने तो बाय दिया था, आपने सेल किया है. तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मेरे कॉल्स जब लेवल ट्रिगर होते हैं तो डेफिनेटली वर्क करते हैं. तो जैसे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड दे रहा हूँ वैसे आपको ट्रेड करना है. क्यूमिंस इंडस्ट्रीज मैंने आपको बाय दिया था, इसमें बाय ट्रिगर नहीं हुआ है. और अमर राजा जो मैंने बाय दिया था 697 पे, 702 तक जाके आई है. मैंने इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया था, 690 पे मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है. तो इसमें 3-4 रुपए का लॉस हुआ है. अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है. तो मैंने कल के लिए सिर्फ दो ही स्टॉक सेलेक्ट किए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कल वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला हूं और कम स्टॉक्स में ट्रेड करने वाला हूं. सबसे पहला स्टॉक होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा. अगर आप देखो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक स्मॉल रेड कैंडल बना है और इसका भी वॉल्यूम काफी अच्छा है. अब मुझे लगता है सेलर्स ने वापस प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की है आज के दिन में. तो कल भी एक फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है. सो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा M&M. एंड नेक्स्ट स्टॉक होगा अंबुजा सीमेंट. भी मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ये बड़े ग्रीन कैंडल के बाद फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आया है और ऊपर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है. तो इसमें भी मुझे लगता है कल के सेशन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है. तो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. तो अंबुजा सीमेंट काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा. और कल मैंने एक वोटिंग करवाया था आप लोगों से, रेट माई डेली कॉल्स एक्यूरेसी आउट ऑफ 100. और आप देख सकते हो वोटिंग कुछ लोगों ने बिलो 50% भी किया है, इसीलिए मैंने पहले ही मैसेज लिख दिया था कि वोट करो, प्लीज वोट मी आफ्टर फॉलोइंग माई कॉल्स फॉर एटलीस्ट 1 week. तो अगर आप वोटिंग करो तो एक दो कॉल के बेस पे मत करो, कि एक दो कॉल के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते क्वालिटी ऑफ कॉल्स. एटलीस्ट आप एक हफ्ता मेरे कॉल्स फॉलो करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे कॉल्स कैसे चलते हैं और क्या एक्यूरेसी रेट है. ये जितने भी लोगों ने यहाँ पर वोटिंग किया है वो डेफिनेटली पुराने लोग होंगे जो अप्रैल से चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता है अच्छी तरह से कि कैसे मेरे कॉल्स फॉलो करते हैं. आज भी आपने देखा होगा एनआईटी टेक में काफी अच्छा आपने पैसा बनाया होगा. तो ये वोटिंग करने के लिए थैंक्स अ लॉट. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.